हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट मेडिकल कॉलेज। तो मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपकी सिस्टर कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं या फिर क्या वो एमबीबीएस कर रही हैं। तो आज सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मिलिए मेरे बहन से, डॉक्टर टू बी अनुष फातिमा। ठीक है, शी इज थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड आई एम डॉक्टर ज़ेबा फातिमा। आई एम इन इंटर्न इन IMSBHU। लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन आर कॉलेज, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड स्टेट मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले बात आती है नेम ऑफ द कॉलेज। सो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। एमएलएन मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ओके, सो टॉकिंग टेल अबाउट द लोकेशन ऑफ आवर कॉलेज। ठीक है, तो प्राइम लोकेशन पे है, सब कुछ अवेलेबल है, कहीं भी कोई रिमोट एरिया नहीं है। कॉलेज से बाहर निकलते ही खाना पीना, मॉल, शॉपिंग, जिम सब अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ का सबसे जो प्राइम एरिया होता है, सबसे प्राइम लोकेशन पे है वो। मतलब वहाँ पे अच्छे अच्छे बगल में मॉल्स, रेस्टोरेंट वगैरह और सब कुछ है। मतलब काइंड ऑफ जैसे प्राइम लोकेशन, जिम मॉल वॉल सब कुछ है। देन टॉकिंग अबाउट ईयरली फी ऑफ एमबीबीएस, तो इन IMSBHU देयर इज फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की 29K फी है ईयरली, एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर की अराउंड 24K है पर ईयर। मेरी जो फर्स्ट ईयर की फीस लगी थी वो अराउंड 36,000 लगी थी, जो कि स्टेट के हर कॉलेज की 36,000 फर्स्ट ईयर की फीस है। अगला क्वेश्चन है मेस चार्जेस कितना लगता है। तो मेरे कॉलेज का बता दूं, मेरे मेस में 4 मील मिलते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक एंड डिनर, और इट इज अराउंड 4K पर मंथ। ठीक है, और मेरे कॉलेज में इवनिंग स्नैक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मेरे कॉलेज में सिर्फ 3 बार मिलता है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 सबसे बेसिक होता है। पर ठीक है, हम इवनिंग की स्नैक खुद से अरेंज कर लेते हैं। इंडक्शन रखा है हमने, हम चाय बना लेते हैं, कॉफी बना लेते हैं, मैगी। सारे हॉस्टलर मैगी पे जिंदा रहते हैं इन लोग, मैगी पे। कोई भी मेडिको होता है ना, वो मैगी पे ही जिंदा रहता है। सारे हॉस्टलर का एक जो सबसे कंफर्ट फूड होता है मैगी। मैगी बना लेते हैं, पोहा बना लेते हैं, वो हम कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं इसकी फीस 3,000 पर मंथ है, 3 मील का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्टल चार्जेस कितना लगता है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरा, तो मेरे हॉस्टल का चार्ज बहुत 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 कम है। 160 रुपीज फॉर 1 ईयर, यानी 160 रुपये एक साल का लगता है, जो कि उस फी में ही इंक्लूडेड है, जो 29K मैंने बताया पर ईयर का, उसमें ही इंक्लूडेड है। टेल योर हॉस्टल फीस इज अराउंड 5K और 4800 पर ईयर, लाइक 400 रुपये महीना। मेरा कहीं 40 रुपये महीना पड़ता है, और मेरा 400 10 गुना ज़्यादा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी कैसा है। तो IMSBHU का लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, स्पेशियस है, और हमारे BHU में ऐसा है ना कि IMS का अपना अलग लाइब्रेरी है, उसके अलावा एक रीडिंग रूम है जहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, और BHU का अपना खुद का पूरे BHU के लिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट फैकल्टी के बच्चे जा सकते हैं, उसके अलावा एक साइबर लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी बहुत ज्यादा है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। है लाइब्रेरी, और पर वो उतनी स्पेशियस नहीं है, तो वो सीनियर जूनियर वाला हो जाता है ना, कि सीनियर पहले पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमें तो मौका नहीं मिला लाइब्रेरी में जाने का, हो सकता है अब थर्ड ईयर में आ गए तो अब मौका मिले लाइब्रेरी में पढ़ने का, लाइब्रेरी एंजॉय करने का। वाह वाह वाह, मन करता है पढ़ने का, मन करे या ना करे पढ़ना तो पड़ेगा, लाइब्रेरी में जाके सो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंटीन अवेलेबिलिटी इन हॉस्टल। तो BHU के गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा होता है कि इवनिंग का कैंटीन अवेलेबल है, लाइक शाम में 4 बजे के बाद से रात में 10 बजे तक कैंटीन खुला रहता है। अगर आपको कोई भी सामान लेना है, कुछ खाना पीना है, तो आप उतने टाइम में ले सकते हो। सुबह के या दोपहर के आवर्स में अगर आपको जरूरत है तो दूसरे हॉस्टल के कैंटीन जा सकते हो, किसी हॉस्टल में रहता है, या फिर कैंपस के बाहर जाके आप सामान ले सकते हो। सेम, मतलब कैंटीन तो होती है हमारे यहाँ शाम से लेके रात तक, रात के अराउंड 12 बजे तक कैंटीन होती है। तो वो खाना खाने के बाद जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और वो मिडनाइट क्रेविंग होती है और मैगी खाने का मन नहीं होता, तो कैंटीन में हमारे पोहा, कोल्ड कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी, चाय, मैगी सब कुछ अवेलेबल होती है। अगर मेहनत नहीं करनी और खाना है तो कैंटीन, इतना सब कुछ अवेलेबल होता है तो सीरियस क्यों हो, हंस के बताओ। अगला क्वेश्चन है इंटरनल PG कोटा, तो तुम पहले बताओ। PG कोटा जैसा तो कुछ है भी नहीं, मतलब स्टेट के कॉलेजेस में तो स्टेट कोटा होता है, इसमें स्टेट कितना कोटा होता है, 50% होता है, तो स्टेट कोटा होता है। इंटरनल कॉलेज में कोई PG कोटा नहीं होता। हमारे में इंटरनल कोटा होता है, BHU के MBBS के स्टूडेंट को 50% कोटा होता है, PG रिजर्वेशन होता है, इसलिए इतना फेमस है, इसलिए कट ऑफ भी इतना हाई होता है ना, लोग अपना फ्यूचर भी सिक्योर करते हैं कि हाँ एक बार UG में एडमिशन ले लिया तो PG का कोटा काम आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल। तो मेरे हॉस्टल से लेके मेरे कॉलेज का डिस्टेंस है अराउंड 700 मीटर्स, लाइक आधा किलोमीटर या आधा से 1 किलोमीटर के बीच का, और कॉलेज से हॉस्पिटल बिल्कुल आमने सामने, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे जो हॉस्टल से लेके हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1.5 किलोमीटर्स का है, और मेरे कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है और कॉलेज है, तो हॉस्टल कॉलेज का डिस्टेंस अराउंड 200 मीटर और 100 मीटर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, हम सब हॉस्टल से पैदल ही जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैगिंग होती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं होती है. बिल्कुल नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च अपॉर्चुनिटी. यू टेल, लेट मी टेल मी फर्स्ट. हाँ, रिसर्च अपॉर्चुनिटी इज वेरी गुड इन IMS BHU. ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं जब थर्ड ईयर में थी तभी मेरा एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हो चुका है. मतलब पेपर रिसर्च करना और उस पेपर को पब्लिश करा देना, इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अ UG स्टूडेंट. जनरली PG स्टूडेंट करते हैं ये चीज़. बट आई एम ग्लैड कि मेरे मेंटर्स इतने अच्छे हैं, प्रोफेसर और जो भी गाइड है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्प करते हैं. मैंने एक स्टडी किया है, अभी भी ऑनगोइंग मेरी और स्टडी चल रही है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बताऊंगी. यू टेल अबाउट योर रिसर्च. क्या होता है मुझे नहीं पता. इतना कोई ट्रेंड नहीं है हमारे कॉलेज में रिसर्च का कि हाँ बहुत सारे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं और ये हो रहा है वो रहा है, क्योंकि फंड कोई प्रोवाइड करता नहीं है. अपने बेसिस पे करना होता है. BHU की खास बात है कि इनके डीन, प्रोफेसर, HOD सब इन्वॉल्व होकर करवाते हैं. तो हाँ, पीछे से कोई पुश नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए रिसर्च का ट्रेंड ही नहीं, कम है रिसर्च. ओके, अब बहुत अच्छा एक्साइटिंग टॉपिक है कि फेस्ट के बारे में बताते हैं. तो हमारे यहाँ फेस्ट होता है, IMS BHU के मेडिको फेस्ट का नाम है एलिक्सर. उसकी वीडियो मैं अपलोड मैंने पहले भी कर रखी है और आगे भी करती रहूंगी. बहुत मजा आता है मेडिकोज के लिए, तो सारे फेस्टिवल उसमें सेलिब्रिटीज भी आते हैं. हाँ, उसमें सेलिब्रिटीज भी आते हैं. दर्शन रावल आया था और वो स्टैंड अप कॉमेडियन आकाश गुप्ता, वो भी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर. हाँ, जब मेरे बैच ने ऑर्गेनाइज कराया था. थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर तब हमने ऑर्गेनाइज कराया था. तो हमने कॉमेडियन में आकाश गुप्ता को बुलाया था एंड सिंगर में गजेंद्र वर्मा एंड मधुर शर्मा को बुलाया था. और भी बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब बहुत इंजॉय. और हमारे फेस्ट के नाम पे इंजॉय तो करते हैं, इंजॉय तो करते हैं. सेलिब्रिटी हमारे फेस्ट में इंजॉय करते हैं, लाइक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हम जब डांस परफॉर्म करते हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स भी होते हैं, कल्चरल भी होता है. और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि सेलिब्रिटी आ रहे हैं और जो भी, सेलिब्रिटी वाला कोई सीन नहीं. आपस में कॉलेज फंड थोड़ा कम, फंड कम है. एक्सटर्नल कोई फंड नहीं आता ना, बच्चे आपस में कंट्री करते हैं. और हमारे अभी फंड नहीं आता है, लेकिन स्पॉन्सर्स बहुत मिल जाते हैं. नेक्स्ट, अब इतना पढ़ लिया यार, तो पैसे कितने मिलते हैं? तो MBBS करने के बाद इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है, तुम बताओ अनुष. इतना सोचना पड़ रहा है. चॉकलेट खाने के पैसे तो निकल जाते हैं, चॉकलेट खाने के. ठीक है, तो हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एज नाउ अभी अराउंड 26K पर मंथ इंटर्नशिप मिलती है स्टाइपेंड. ठीक है, एंड स्टेट कॉलेज पूरे UP में इट इज अराउंड 12 to 14-15K. इतना ही है, और पूरे UP में इतना ही है, कहीं पे भी ज्यादा नहीं है. कोई बोले तो मानना मत. एंड द लास्ट क्वेश्चन, कि रूरल सर्विस बॉन्ड है कि नहीं है? सो आंसर इज नो. यहाँ पे हमें MBBS करके निकल गए, बस काम खत्म. पता ही होगा स्टेट कॉलेज में, इसीलिए तो फेमस है. हमारा 2 साल का रूरल बॉन्ड है. तो अभी हमारे दिमाग में जितना क्वेश्चन आया हमने उस पर कंपैरिजन वीडियो बना लिया है. अनुष हमेशा रहती नहीं है, बहुत कम होता है कि हम दोनों साथ में मिलते हैं, तो इसलिए हमने वीडियो बना लिया है. अगर कोई टॉपिक छूट गया है या आपको लग रहा है कि कुछ और जानना चाहते हो, तो कमेंट में पूछो. जब भी हम नेक्स्ट टाइम साथ में मिलेंगे तो हम आंसर बताएंगे आपको, या फिर मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, तब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहो और लाइक करते रहो. बाय बाय.